लगता है आप पहली बार पाकिस्तान आई हैं। हाँ, पहली बार। फैमिली को कसमें देकर आई हूँ। हमी को पता चला मैं पाकिस्तान आ रही थी तो जान नमाज पर बैठ गई। अब वापस जाऊंगी तो उठेंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं लेकिन। अच्छा अच्छा, कहाँ से आई हैं? अमेरिका से? हाँ, थीसिस था ना मेरा यूनिवर्सिटी का। जब स्टूडेंट्स को पता चला कि पाकिस्तान जाना है तो सब ने मना कर दिया सवाए मेरे। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, मुझे ये बताओ मेरी फ्लाइट कितने बजे, बाकी काम मेरा। अच्छा ये तो बताएं, अमेरिका जाने का तरीका क्या है, किस तरह जाया जाए? अरे भाई, अमेरिका यहाँ आने के चक्कर में और आप वहाँ जाना चाहते हैं, ये क्या बात हुई? अरे असल जिंदगी तो वहाँ पे है मैडम, यहाँ पे क्या रखा है? जिंदगी तो जीने वालों से बनती है। अगर इंसान खुश हो वो कहीं भी खुश रह सकता है, ये मेरा मानना है। अच्छा मैंने सुना है वहाँ टैक्सी में बहुत कमाई है। हाँ लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से। आपको पता है वहाँ पानी की बोतल कितने की मिलती है? $2 की, यानी 200 रुपए की। सोच सकते हैं आप? तौबा। वो क्यों भाई, इतनी महंगी क्यों? बस उनकी मर्जी। अच्छा भैया आप मुझे ये बताएं, यहाँ अच्छी देखने वाली जगह कौन सी है जहाँ हर वक्त कोई ना कोई एक्साइटिंग चीज हो रही हो, मैंने वहाँ जाना है। कट्टी पहाड़ी, वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। तो डन है, कट्टी पहाड़ी तो पक्का। सोनिया बेटा ये क्या किया, हमसे झूठ बोला? यानी हमें बताया कि तुम्हारी फ्लाइट शाम को लैंड करेगी और तुम सुबह आ गई, क्यों? चाचू मैंने टैक्सी में आना था इसलिए। तुम्हें पता है हालात कितने खराब हैं, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? शेर आप लोगों के यहाँ का है लेकिन मुझसे सुन लीजिए, मौत से किसको रस्तागारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। वाह वाह वाह, अदाबर अदाबर। चची चिल करें, कुछ नहीं होता। और टैक्सी में बहुत मजा आया, पप्पू से तो दोस्ती हो गई है पक्की वाली। पप्पू? कौन पप्पू? ओहो चाचू, मेरा टैक्सी ड्राइवर, बहुत ही कूल बंदा है। तुमने कहीं उसे ये तो नहीं बता दिया कि तुम बाहर से आ रही हो? तुम्हें पता है 2 मिनट में अगवा कर लेते हैं यहाँ पे। आप लोग इतने डरपोक हैं? अजीब टॉक शोज वाला माहौल पैदा कर दिया आपने तो। इतनी टेंशन लेंगे ना तो डबल हो जाएंगे साइज में। बेटा सब यहाँ इतना आसान नहीं है, यहाँ कभी भी हालात खराब हो सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी अम्मी को क्या जवाब देती? अरे चची मुझे क्या होगा, जब मैं न्यूयॉर्क में थी ना मैंने ब्रॉन्क्स में जॉब की थी और उनके काले गैंगस्टर्स तो इतने बदमाश हैं कि वो यहाँ वालों को ट्यूशन दे सकते हैं। सबसे दोस्ती हो गई थी मेरी। कोई इलाज नहीं है इस लड़की का, मैं तो आज ही तुम्हारी अम्मी को फोन करके कह दूंगी, हमसे नहीं संभलने वाली आपकी बेटी। फिक्र ना करें चाची, आपने तो अब देखा है ना, वो तो बचपन से झेल रही है। अच्छा बेटा ये बताओ कि क्या खाओगी, बर्गर पिज्जा पास्ता? निहारी खाऊंगी और वो भी नली वाली। निहारी? बर्गर्स पास्ता पिज्जा तो मुझे न्यूयॉर्क में भी मिल सकते हैं, पाकिस्तान आने का क्या फायदा, इधर आई हूँ तो देसी खाना खाऊंगी। तुम निहारी खाओगी? जी। चलो इस बहाने हम भी खा लेंगे। ये हुई ना बात चाचू। सोनिया बेटा क्यों तंग कर रही हो अपनी मामा को, तुम्हें मना भी किया था ना पाकिस्तान जाने से, अब अपनी जिद करके अगर वहां चली गई हो तो कम से कम वहां तो मनमानी नहीं करो ना। अम्मी आप ड्रामों की तरह क्यों सेंटी हो रही हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप हर वक्त क्यों न्यूज चैनल देखती रहती हैं, कभी औरतों वाले काम भी कर लिया करें। मॉर्निंग शो देखा करें, उसमें लोग बिला वजह खुश होते रहते हैं। सोनिया तुम्हें मेरी जान की कसम है, तुम अपने चाचा चाची के बगैर कहीं बाहर नहीं निकलोगी। अम्मी मैंने कहाँ कसमें मानी हैं जो अब मानूंगी मैं। देखिए अम्मी मेरा मसला ये है कि मैं सच बोलकर फंस जाती हूँ, आजकल के लड़की लड़कियों की तरह अगर मैं छुप के चीजें करती ना तो खुश रहते आप लोग। सोनिया मुझसे बिला वजह बहस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके, जो कह रही हूँ वो चुप करके सुनो। अच्छा अम्मी ठीक है, अब मैं घर से निकलूंगी ही नहीं, अगली बार निकलूंगी ना तो सीधा एयरपोर्ट जाऊंगी, खुश? ये सच था ये झूठ? सुनने में अच्छा था ना, तो बस ये मानकर सुकून से बैठ जाए अम्मी, बस 3 हफ्तों की बात है फिर आऊंगी, जितनी रोक टोक करनी है कर लीजिएगा। यहाँ 12 बज गए अम्मी, मुझे सोना चाहिए। चलो बेटा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ,
अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से दूर रखे बेटा, अपनी हिफाजत में रखे। जी जी अम्मी, साथ में नूरजहां के जंग के गीत भी गा लें आप। क्या हो गया आपको? ऐसे डर रही हैं जैसे मैं बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रही हूँ। खैर चलें अब, शब्बा खैर अम्मी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। चाचू, चाची, अचानक से अंधेरा हो गया है, कोई है घर में? चाची, गॉड। मोमबत्ती। भूत, भूत, चाची कोई आ गया है। क्या हुआ? और ये तुम क्या अपनी भवों को रोशनी दे रहे हो मोमबत्ती से? सोनिया क्या हुआ? ये कौन है? आपकी चची है बाजी, पहचाना नहीं? ये तुम्हारे बारे में पूछ रही है। हमारा मुलाजिम है शफीक, और तुम क्या बच्ची को डरा रहे हो? मैं तो सिर्फ हंसा था। तो क्यों बिला वजह हंसते हो, और अंधेरे में किस बात की खुशी हो रही है तुम्हें? जाओ यहाँ से। जी अच्छा। चची अंधेरा क्यों हो रहा है? वेलकम टू पाकिस्तान, यहाँ हर एक घंटे बाद अंधेरा हो जाता है, आदत डाल लो। कब तक? जब तक तुम हो यहाँ पे। अच्छा चलो शाबाश, अब तुम सो जाओ। अंधेरे में तो रोशनी में कौन सोता है? सो जाओ, लाइट आ जाएगी खुद ब खुद। गुड नाइट। अरे ये इतनी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? पार्क जा रही हूँ जॉगिंग करने। सोनिया देखो, जो भी कुछ करना है ना घर पे ही कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में फ्रिज से डाइनिंग टेबल तक मैं भागूं? दो घंटे लगेंगे, ऐसे गई ऐसे आई। अरे बाय। ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। सही बात। तो तुम कहीं भी आ जाते हो, डरा दिया मुझे। एसएचओ साहब जरा लिहाज करें, आपने एकदम से 2000 रुपए बढ़ा दिए। इतनी महंगाई का जमाना है, बंदा कहाँ से लाके देगा? लगान फिल्म वाला हाल है सर, फसल होती नहीं और अब लगान बढ़ा देते हैं। वाह, अभी पिछले हफ्ते तूने मोबाइल की दुकान पे डकैती की है, सब पता है मुझे, सारे मोबाइल ले गया और मेरे सामने भूखा नंगा बन रहा। सर वो चाइना के मोबाइल थे, 2 नंबर। सर ऐसी कॉपी बनाते हैं चाइना वाले कि हमारे जैसा बंदा भी जो है ना वो उलझ के रह जाए। चल मुन्ने, इस बार छोड़ा हूं तुझे, लेकिन अगली बार एक पैसा भी कम हुआ ना तो सारी दफाएं लगा दूंगा तुझ पे, वो भी दहशतगर्दी की। चल निकल यहां से। Oh!
बेगैरत इंसान, दे मुझे मेरा मोबाइल। चलो मैं तेरे पास मेरा मोबाइल। चलो मैं आती तुझे बेगैरत। आप क्या खड़ी हुई है आप? अरे 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 बस करें, बेचारा जाया हो जाएगा। प्लीज मैडम मोबाइल दो इन्हें। दे मेरा मोबाइल मुझे। तेरे हाथ पांव से नाम आते हैं तो चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अपने हाथ पांव काट देने चाहिए तुझे। मैडम आपको आपका मोबाइल मिल गया ना, मैं इसे ठीक तरह देख लूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ना होते तो मैं क्या करती? शुक्रिया। नहीं नहीं ये तो मेरा फर्स्ट था। अब वो FIR के लिए मैं आपके साथ आऊँ या आप खुद जाएंगे? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको देख लूंगा, आप प्लीज घर जाइए प्लीज। SHO साहब जैद, थैंक यू सो मच, अच्छा नाम है आपका, थैंक यू। चार बंदे बुलाओ पुलिस को तुझे उठाने के लिए। सर हाथ देना सर। जैसे निकम्मे चोरों की वजह से मुल्क का ये हाल है। दूसरे इलाके को SHO को देखा है? लैंड क्रूजर्स आ गए उनके पास, सब उनके चोरों की मेहनत का नतीजा। और तुझे देख निकम्मा अभिषेक, बचा रहे तू चोरों का। इस तरह केले के छिलकों में फिसलता रहा ना तो फिर बन गया तू कामयाब डाकू। चल वरना दफा लगा दूंगा दहशतगर्दी की। फिर क्या ऐसी मार लगाए जिसकी हद नहीं है, गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था। अरे बाजी आपको ना वो अंडरटेकर वाला दाव लगाना था ना। तुम तो चुप रहो, क्यों उसको उल्टी सीधी पटियां पढ़ा रहे हो? और सोनिया तुम्हें क्या जरूरत थी उनपे हाथ साफ करने की? तुम्हें पता है ये लोग दुश्मनियां पाल लेते हैं। दो दिन के लिए तो आई हो, सुकून से रहो। ये तो कोई नई बात हो गई, यानी चोर कानून से ना डरे हम चोरों से डरे, ये क्या बात हुई? फिर भी बेटा अगर वो तुम्हें बिला वजह नुकसान पहुंचा देता तो? ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा देता? वहां एक जांबाज SHO मौजूद था जिसने उसको ऐसा गिराया, शफीक भाई देखने वाला सीन था। अरे बाजी ये SHO लोग हैं ना, ये इन लोगों के सरगना होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है शफीक। बाजी हमारे गांव में ना बहुत डाके पड़ते थे, एक दफा नया SHO आ गया, सारे डाकू गांव छोड़कर ही भाग गए। देखा फायदा हुआ ना। अरे बाजी वो लोग इसलिए भागे कि पुलिस ने हफ्ता बढ़ा दिया था, अब डाकू बेचारे जो कुछ चुराते वो हफ्ते में देना पड़ जाता। सुन लिया तुमने क्या कह रहे शफीक? ओफो चची आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, सारे पुलिस ऑफिसर्स थोड़ी करप्ट होते हैं। हाँ सिर्फ जिंदा वाले होते हैं। शफीक उफ। और वो याद है जब शमीम की बीवी से उगलवाया था कि वही शमीम है? वो सब तो मैं ही था सर। सही बात है। अरे आप यहाँ? आपसे बात कर लीजिए। जी जी आइए प्लीज आइए बैठिए प्लीज। एक बात सच सच बताएंगे अगर मैं पूछूं? पूछे। क्या आप करप्ट हैं? करप्ट और मैं ये लोग हंस क्यों रहे हैं? दरअसल मैम आपने बात ही करप्शन की है ना, यहाँ पे हमारे लिए करप्शन एक मजाक है, हम मजाक में भी उसके बारे में बात नहीं करते। तुम लोग खड़े रहो मैं आ रहा हूं। अब क्यों हंस रहे हैं? हाँ असलम बहुत हंसी आ रही है तुम सबको। हाँ मैं बाद में डिटेल में रिपोर्ट लेता हूँ तुम्हारे लिए, अभी काइंडली चुप हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है मेरी मैडम के साथ। अब नहीं हंसेंगे, दरअसल मैंने यहाँ पे बहुत ही दोस्ताना माहौल रखा, बिल्कुल भी बॉस या मुलाजिम वाला बिल्कुल ताल्लुक नहीं। आप बताइए आप क्या कह रही हैं? मेरी जो चची हैं वो मुझे बता रही थी कि पाकिस्तान में पुलिस बहुत करप्ट है और इनफैक्ट कि पुलिस डाकुओं के साथ मिली हुई है। तो जैद साहब क्या ये सच है? आप कहाँ से हैं? अमेरिका से। क्यों
आपने बात ही ऐसी की कि मुझे लगा कि आप यहां से नहीं है। खड़े रहो उधर। सर वो शकुर हफ्ता लेकर हफ्ता हो या इतवार, जब इंस्पेक्टर जैद ने कह दिया कि पुलिस उसे प्रोटेक्शन नहीं देगी तो नहीं देगी। जाओ मुंह पे मार के आओ उसके ये पैसे। जाओ तुम शाबाश, जो कह करो। ये शकूर कौन है? ना पूछिए, है एक करप्ट आदमी, समझता है पुलिस उसने खरीदी हुई है। आया था मेरे ऑफिस, इस कुर्सी पे बैठा था, मैंने भी जोर की कुर्सी को लात मारी और उसे कहा ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे बाप का घर नहीं। क्या हुआ? अंदर तो जंजीर फिल्म के डायलॉग चल रहे हैं, पता नहीं कौन लड़की है, सर लगे हैं फेंकने में। कमिश्नर की बेटी बेटी तो नहीं है? कमिश्नर की बेटी कहाँ लगती है यार, हो सकता है अम्मी पे गई हो। नहीं नहीं बल्कि हो सकता है, हो सकता है। चलो ना फिर। तेजा ने मेरे हेड कांस्टेबल के सर पे बंदूक रख दी, वहां मैं रुक गया, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी जान की परवाह थी, इसलिए कि उस कांस्टेबल की दो बीवियां थी मैडम और 8 बच्चे थे। आप बताइए उनका ख्याल कौन करता? जी फिर मेरी नजर पिस्तौल पे पड़ी जो कि जमीन पे थी। मैंने यूं पिस्तौल उठाई और उधर ही 6 गोलियां तेजा के पेट में कर दी और वो गया स्विमिंग पूल में। और कांस्टेबल भी पूल में गया? अरे नहीं नहीं वो तो उधर ही खड़ा था, मैंने गोलियां तो तेजा को मारी थी। वाह बहुत इंप्रेसिव। आई नो पर मुझे घर जाना है अब, मेरे चाचू चाची मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो बहुत परेशान रहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान आई हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। इट्स ओके मेरी गाड़ी है मेरे पास। तेरा मतलब था गेट तक छोड़ देता। ओके आइए आइए। अब SHO साहब आपका नंबर मिल सकता है? अभी ये तो नंबर मांग रही है। सर चार्ज लगा दूं, कते लड़की है ये, वो गनवा लेंगे सर, कोई मसला नहीं। बस तुम चुप कर। ये ले मैडम। थैंक यू। वैसे यहाँ पे पास में बहुत अच्छा सिनेमा है, वो भी 3D और मॉल भी बहुत अच्छा है। अच्छा मैं जरूर मूवी देखने जाऊंगी। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और आपकी? जंजीर। बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू, खुदा हाफिज। और फिर मैंने कहा कि मेरी पसंदीदा मूवी जंजीर है। वो पुलिस वालों से पंगा करती फिर रही है और आप हंस रहे हैं। चाची मैंने किसी के साथ कोई पंगा नहीं किया, वो बेचारा अच्छा तासुर दे रहा था, बिल्कुल भी करप्ट नहीं था। बेटा इस मुल्क में हर आदमी करप्ट है। अरे खा गए नोच नोच के इस मुल्क को सारे सियासतदान, पुलिस वाले, ये ठेकेदार, अरे तबाह कर दिया इस मुल्क को इन लोगों ने। और आप? मैं? क्या क्या मतलब? क्या आप ये कह सकते हैं कि इस करप्शन में आपने कोई रोल अदा नहीं किया? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। क्या आपने कभी रिश्वत दी है? रिश्वत? हाँ दी होगी। बस फिर आप भी हो गए ना करप्ट, इसमें सियासतदान और पुलिस वालों को इल्जाम देने से क्या होगा, सिस्टम गलत है और आप इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हाँ बेटा यहाँ पर इसके बगैर काम भी नहीं चलता ना। चाचू यही सोच तो गलत है, आप कहते हैं
कि रिश्वत लेने वालों की गलती है, लेने वाले कहते हैं कि आप देते हैं इसलिए आपकी गलती है। देखें चाचू, मुझे याद है कि पिछले साल आपने दादी जान के लिए एक प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट की कीमत 25 लाख थी, पर पेपर्स में आपने 18 लाख लिखवाया। क्यों? टैक्स बचाने के लिए ना? तो इसमें सियासतदानों का क्या कसूर है? अरे बेटा, वो तो यहाँ सभी करते हैं, हम जितना टैक्स दे रहे हैं वही काफी है। यही तो गलत थिंकिंग है चाची। आप हमेशा कहते हैं कि यहाँ वेस्ट जैसा माहौल क्यों नहीं है, लेकिन क्या हम लोग वेस्ट जैसे लोगों की तरह हैं? वेस्ट में एक एक चीज पर टैक्स देते हैं, तकरीबन आधी तनख्वाह तो इनकम टैक्स में चली जाती है, फिर बाजार में सेल्स टैक्स अलग, घर का टैक्स अलग, सूबों के टैक्स अलग, वफाक के अलग। चाचू वहां बेईमानी नहीं होती, इसीलिए तो वेस्ट तरक्की कर रहा है। बेटा अगर हम टैक्स देते तो कौन सा सब ठीक हो जाएगा? जब आपने कभी टैक्स ठीक से दिया ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा? यही बात सब सोचते होंगे, इसीलिए कोई टैक्स देता ही नहीं है। चाचू मुल्क लोगों से बनता है, अगर हर इंसान अपना काम ईमानदारी से करे तो मुल्क में मसले क्यों होंगे? अरे बेटा हमारे 500 रुपए बचाने से मुल्क को क्या फर्क पड़े? आप 500 भूल जाएं। एक सेकेंड, अगर एक आदमी 50 रुपए चोरी करे तो आपको इससे कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं। और 10 आदमी? कोई बात नहीं। 1000 आदमी? ठीक है। 1 लाख आदमी, 10 लाख आदमी, 1 करोड़ आदमी? चाचू आप मुझे कोई सा भी नंबर बता दें। चाचू अगर पूरा पाकिस्तान टैक्स में सिर्फ 50 रुपए की चोरी करता है तो टोटल चोरी होने वाला अमाउंट है 1000 करोड़ रुपया, यानी 1 के बाद 10 मोटे मोटे जीरोस। तो आप बताएं चाचू ये अमाउंट कम है या ज्यादा? वो बागा कैसा था ना? तू भी ना फोन हर वक्त पछता रहता है। सोनिया, इंपोर्टेड बच्ची की कॉल आ गई। जी सोनिया, जी सोनिया, आप परेशान मत हो, ठीक है मैं बस फौरन पहुंच रहा हूं। वो हरामखोर पकड़ा गया। सर सारे कॉन्स्टेबल तो यहीं पर हैं। एक और हरामखोर है जिस हरामखोर ने उसका मोबाइल चोरी किया था। फिरिकन का है, जल्दी रो। सर वो तो जंग लग गया था, कबाड़ी वाले को देखे टेनिस बॉल ले लिए। क्रिकेट खेलने में आसानी होती है ना सर। अबे टेनिस की बॉल से उसे मारूंगा, गाने किसी बेगैरत के पास आवे तो। मेरे पास है सर। चलती है? कभी कोशिश ही नहीं की, आप कोशिश करके देख लें। लाने सर। बोलने की कोशिश मत कर, मुंह बंद कर, लेकिन बोलने का शौक देखते रहे, चुप कर। सुनिए जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको जेल से ना निकलने दीजिएगा। आज भी आंटी का पर्स चोरी करा था। तुझे भी एक ही जगह मिलती है चोरी करने की, कायल इंसान। जी मेरा मतलब है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सुधरा नहीं, क्या करे बंदा ऐसे इंसान का? फांसी दे देनी चाहिए और क्या। बिल्कुल ठीक कह रही है, मुल्क का नाम बदनाम करते साले। चल चल तू मोबाइल में चल मेरे साथ। सुनिए जी आप प्लीज घर जाइए, मैं इसे ले जाता हूँ। पिछली बार भी मेरे से यही गलती हुई थी, इस बार मैं आपके साथ आऊंगी FIR कटवाने, फिर देखती हूँ ये जेल से कैसे निकलता है। अरे आपको पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं वही जा रहा हूँ, तो मैं इसे साथ लेके जा रहा हूँ। नहीं नो, मैं साथ चलूंगी, चले। अच्छा चले आओ। हाँ आओ। सर लिखूं? पक्का? जब मैडम कह रही है लिख तो मुझसे क्यों पूछ रहा है, क्या मुसीबत है? जी शुरू करें। वो पीनल कोड की बुक भूल गया हूँ लेके आते। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आप शुरू करें। सेक्शन 324 रॉबरी, सेक्शन 390 रॉबरी जबरदस्ती, सेक्शन 393 डकैती, सेक्शन 397 डकैती के साथ चोट, सेक्शन 398 डकैती के साथ हथियार,
सेक्शन 401 गैंग का हिस्सा होने के नाते आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये आपको जुबानी आता है? हाँ, आपको नहीं? हम सबको मिला के भी इतना याद नहीं है, आपको कैसे याद है? आप लॉ स्टूडेंट हो ना, तो वो अपने थीसिस के लिए पाकिस्तान पीनल कोड याद किया था। बेगैरत सीख कुछ मैडम से, अमेरिका में रहते हुए सब कुछ याद है, वो भी पाकिस्तान का पीनल कोड। सर आपको इसमें से कौन सा याद है? तुम रिपोर्ट लिखो यहाँ पे, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ही जुबान चलती है तेरी। काम पे ध्यान रखो, लिखो रिपोर्ट। हर वक्त गॉसिप कर रहा होगा। तो फिर आप खुश हैं जी? खुश? खाक खुश हूँ। सुबह नाश्ता कर निकली थी घर से, उसके बाद कुछ नहीं खाया, टेंशन ही खाई है मैंने। अरे इतनी सी बात है, आइए मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर दोपहर का खाना खाते हैं। सर हम क्या खाएंगे? तू पुट्टा खा, हर वक्त खाने की पड़ी होती है तुझे, तेरे जैसे ऑफिसर्स की वजह से पुलिस बदनाम है, खाओ कहीं का। चले मैडम। वैसे आप यहाँ का खाना खा के बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे ना? कुछ होगा तो नहीं आपको? यहाँ से बाहर के लोग आते हैं और वो थोड़ा सा खाना खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। मैंने सारी उम्र अमेरिका में चाइनीज रेस्टोरेंट्स में खाना खाया है, मुझे कुछ नहीं होगा। रियली? बात सुन। जी साहब। पूछ मैडम से क्या खाएंगे। जी मैडम जी, मेरे लिए आप एक निहारी कर दें और एक ग्लास लस्सी का। हाँ, और निहारी में नली जरूर डालिएगा, मुझे सूखी सूखी निहारी अच्छी नहीं लगती। जी। और सर आप क्या खाएंगे? पैसे? मेरा मतलब है चाय पापे। मैं क्या तुझे अपेंडिक्स का मरीज रखता हूँ? जा मेरे लिए स्पेशल बिरयानी लेकर आ और कोल्ड ड्रिंक के साथ, और सुन लेटे अच्छी तरह धोना, आखिरी बार मैंने तो खाया था टाइफाइड हो गया था मुझे। जी साहब। सच में आपको टाइफाइड हो गया था? अरे नहीं, कहना पड़ता है इन हड़हरामों को, ताकि सफाई का थोड़ा ख्याल हो। वैसे आपके मुल्क में कितना अच्छा है, हर जगह सफाई है, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे तो हर जगह गंदगी, करप्शन, चोर बाजारी। सर वो शमीम भाई ने दिए इस हफ्ते भी। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमने बिल भी नहीं है, बकाया क्यों ले? जा उन्हें गलती लगी, उन्हें बता किसी और के बकाया हमारे टेबल पे ले आए। क्या खड़ा मेरा मुंह देख रहा है, जाओ यहां से। जी साहब। मुझे भी रिश्वतखोर समझ रहा था, कुछ पुलिस वालों ने हम सब पुलिस वालों का नाम ही बदनाम करके रख दिया। हाँ लेकिन ये सब होता क्यों है? अब सारी गलती उनकी भी नहीं, हमारा सिस्टम ही खराब है। और वैसे भी हमारी पुलिस का यहाँ पे ये हाल है कि जैसे पाकिस्तान हॉकी टीम का, कुछ भी कर लो, जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, सबका ध्यान क्रिकेट पर ही। हाँ पर ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना, इंसान को अपना काम करना चाहिए, दुनिया जो कहती है कहती रहे। बहुत बुरी बात है वैसे, इन पुलिस वालों को होटल वालों से पैसे तो नहीं लेने चाहिए ना, ये लोग इतनी मेहनत करके दो पैसे कमाते हैं और वो भी इनसे छीन लिए जाए। SHO साहब कहाँ का इंसाफ है? बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी दिखाते हैं, कदे का गोश्त बकरा बना के बेचते हैं और पुलिस फिर भी इनसे हफ्ता ले जाती है। पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का सोनिया जी। हाँ बात तो सही है, पर आपको कुछ करना चाहिए, आपको इन बेचारों को एतमाद देना चाहिए कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, इन ऑफिसर्स का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, इनको रिश्वत से साफ मना कर सकते हैं। जैद साहब आप इनकी सपोर्ट करें, आप कर सकते हैं, यू शुड बी डूइंग दिस।
आइडिया तो आपका काफी अच्छा है। बल्कि मैं अभी बात करता हूँ। ऐसे अच्छा भाई, आप 3,000 रुपए भी नखरे, अब क्या अपना गुर्दा निकाल के दे दे तुमको? अभी लड़की के सामने कौन दे दे भला? हर बार तो ले लेते हो। हर बार कोई लड़की होती है मेरे साथ। अच्छा आप लेने हैं तो और तेरा बिल कैसे दूंगा? तू जानता है कि साहब बटवानी रखते हैं, साहब की जेब भारी हो जाती है। ओहो, लड़की का चक्कर है? मैंने तो सुना था तुम ईमानदार हो गए। निकालूं तेरी ईमानदारी? बड़ी जुबान चल रही है तेरी। आज के खाने के पैसे कौन देगा? अब एक दिन मुफ्त खाना खिला देगा तो तेरा ये 5-स्टार होटल बंद हो जाएगा। हाँ चल निकाल मेरे पैसे। हाय असलम, हलाल की कमाई कितनी मुश्किल होती है, इंसान का सारा खून निचोड़ देती है। सही कह रहे हैं सर आप। पुलिस की नौकरी इतनी मुश्किल होती है, मुझे और तुझे पता ही नहीं था यार। इस लड़की ने तो आके नाक में दम कर दिया यार। सर इस लड़की ने मजाक ही बना लिया। मजाक? मजाक? शहर में कुछ भी हो मुझे कॉल करती है, छोटी से छोटी बात हो मुझे बुला लेती है यार। अगर मैं उसका फोन ना उठाऊं तो मेरे सर पे इधर आके टपक पड़ती है। असल में मुझे तो डर है कल को आ जाएगी कि इंस्पेक्टर जायद मेरे घर की टंकी टूट गई, उसको भी आके फिक्स कर दो यार। जिस्म के सारे इंचर पिंचर डिगने हो गए, हाथ नहीं उठाया जा रहा, पैर नहीं उठाया जा रहा यार। सर आराम से, आराम से, ख्याल से। जब से मिली है चैन से ड्यूटी पे सोया नहीं हूं यार। अब तो डर लगता है उसका फोन ना आ जाए, अब तो ख्वाब में भी वो पर्चे कटवा रही होती है यार किसी ना किसी के खिलाफ। सर ये लड़की इसी स्पीड से अगर मुजरिम पकड़वाती रही ना तो जेल में तो जगह कम पड़ जाएगी। अबे भाई ये लड़की वापस कब जाएगी? ये कुछ देर टिक गई तो हमारा तो काम तमाम हो गया। सर अगर सारे जुर्म इसने खत्म कर दिए तो हमारी नौकरी तो फारिग। कैसे? सर देखिए अगर शहर से जुर्म खत्म हो गया तो पुलिस की जरूरत किसको होगी, हम तो फारिग ना। शुक्र चैन तो गया, अब नौकरी भी जाएगी। कुछ कर तू यार। मैं क्या करूं सर। तबीयत कैसी है अब? मुझे क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ। दो दिन से आप जॉब पर नहीं जा रहे। मैं गई थी आपके ऑफिस, असलम ने कहा बीमार है। एक तो असलम भी ना। कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा ड्रग रेड हो रहा था तो 30th फ्लोर से मुझे छलांग लगानी पड़ गई, तो उसी में पट्टे थोड़े खिंच गए। पट्टे? हैमस्ट्रिंग्स अंग्रेज औरत। अच्छा सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप आखिर पाकिस्तान आई क्यों थी? अपना थीसिस खत्म करने के लिए। वो एक कंट्री पिक करनी थी और उस कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को असेस करना था, तो जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान भी शामिल है आई जंप्ड ऑन द बैंडवैगन। और आप मजीद कितने दिन यहाँ रहेंगी?
हफ्ता डेढ़। शुक्र जी। मेरा मतलब है कि आप खुश होंगी, आप अपने घर वापस जा रही हैं। हाँ जैद, आपसे एक बात कहनी थी। कैसी बात? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की है। मेरा मतलब है, कैसे कैसे वक्त पे मैंने आपको फोन किया और आपने बिला झिझक हमेशा मेरी हेल्प की, सो थैंक यू। आप कमाल के इंसान हैं। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये सब मेरा मेरा फर्ज था। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ आके आपसे मिली। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्या हुआ, खैरियत? नहीं कुछ नहीं। चले एक मुकाबला हुआ जिसमें अमेरिका, बर्तानिया और पाकिस्तानी पुलिस को लिया गया और उनसे कहा गया कि जंगल में जाके शेर को लेके आना है। बर्तानिया एक दिन में ले आया शेर को। उसके बाद बारी थी अमेरिका वाले की, वो तो उनके भी बाप निकले, 6 घंटे में जंगल के शेर को पकड़ के ले आए। अब बारी किसकी है? पाकिस्तानी पुलिस वाले की। जंगल में गया और पूरे 2 दिन तक गायब हो गया। भाई जजेस परेशान हो गए कि गया किधर। सोचा कि चलो जंगल में जाके देखते हैं। जजेस और सब मिलके जंगल में गए। थोड़ा आगे गए तो देखते हैं कि वो पाकिस्तानी पुलिस वाला हाथी को दरख्त पे लटका कर मार रहा है और कह रहा है, बोलता है तू शेर है और मारू। वैसे अमेरिका वालों की पुलिस कितनी अच्छी है, 6 घंटे में शेर को पकड़ लिया। हमें यहाँ पे 6 महीने लग जाते हैं और मोबाइल चोर को नहीं पकड़ सकते। सर अब तो आपको अमेरिका अच्छा लगेगा ही, अब ससुराल जो बनने वाला है आपका। सर उसको तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और अगर पता चल गया वो तो लेफ्ट नहीं कराएगी। तेरे भाई ने ऐसी ऐसी टोपियां कराई हैं, बड़े बड़े नहीं उसे पहचान सके। अब तो मुझे कंफ्यूजन होने लगी है कि मैं कहीं असल में ईमानदार पुलिस वाला तो नहीं बन गया। क्या हुआ? सोनिया, सोनिया अंदर आओ। सोनिया ये सब मजाक। बस जैद बस, बेवकूफ तो मैं थी जो इतनी देर तुम्हारा साथ, तुम सब के सब करप्ट हो। ठीक कहते हैं लोग, अंदर बैठ के इस तरह मजाक करना, और मजाक भी किस बात का, ईमानदारी का, मेहनत से काम करने का, रिश्वत ना लेने का। मैं समझ रही थी कि तुम बहुत मॉरल इंसान हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोनिया मेरी, मुझे शुरू से पता था कि तुम करप्ट हो, यकीन करो मेरा। तुम्हारे सामने तो मैंने बस नाटक किया, ड्रामा किया, ये समझ के कि मेरे लिहाज में शायद तुम ईमानदारी से काम करना शुरू हो जाओ, लेकिन मैं गलत थी। तुम और तुम्हारे कॉलीग्स सब के सब करप्ट हो और तुम नहीं बदलने वाले। तो फिर क्या करूं?
क्या करें हम पुलिस वाले, जितना टैक्स एक आम आदमी की तनख्वाह से कटते उतनी तनख्वाह होती है हमारी। 45 लाख रिश्वत दे के एक इंसान मुश्किल से SHO बनता है, वो पैसे जो कर्ज और उधार लेके लिए होते हैं वो कैसे लुटाए वो इंसान, बताओ। सोनिया, उंगली उठाना बहुत आसान होता है। अभी 4 दिन तुम्हें क्या अमेरिका से आए हुए, तुम समझती हो तुम 3 हफ्तों में सब कुछ बदल डालोगी, सब कुछ ठीक कर दोगी? फर्ज करो हम ठीक हो जाते हैं तो बाकी लोगों कैसे ठीक करोगी, बताओ। 5,000 से ज्यादा पुलिस वालों ने जाने दी हैं अपनी इस दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में, फिर भी लोग हमें गालियां ही देते हैं, बुरा कहते हैं। आज तक किसी आम शहरी ने किसी शहीद के जनाजे में शिरकत की है? कभी नहीं। तो फिर हम क्यों अपनी जान दांव पे लगाएं, क्यों ना रिश्वत लें? अगर हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। औरों पर तो इल्जाम डाल दिया तुमने, पर तुमने खुद इस मुल्क के लिए क्या किया है जैद? 2 दिन तुमने ईमानदारी से काम किया और अगले 2 दिन छुट्टी कर ली, ऐसा ही था ना? हाँ जैद, सिस्टम खराब है, सब बुरे हैं, पर क्या तुम अच्छे हो? क्या तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो? जैद, तुम्हारे अंडर 4 पुलिस ऑफिसर्स हैं, यकीनन वो भी एक दिन SHOs बनेंगे, लेकिन जिस तरह तुम करप्शन करते हो वो भी उसी तरह करप्शन करेंगे और उनके जूनियर्स भी करप्ट हो जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आती इस बात की? और मुझे देखो, मैं सोच रही थी कि अगर इन 3 हफ्तों में मैं तुम्हें बदल दूंगी तो शायद मैं एक पुलिस स्टेशन से करप्शन खत्म कर दूंगी, पर मैं गलत थी। तो ठीक है जैद, तुमने जो करना है तुम करो, अब तुम्हें मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं आएगी, तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, एक और बात जैद, अगर हिम्मत है तो 1 हफ्ता अपना काम ईमानदारी से कर दिखा, सिर्फ 1 हफ्ता। इससे क्या बदलता है तुम खुद देख पाओगे, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि करप्शन अब तुम्हारी जरूरत नहीं, आदत बन चुकी है। अपना ख्याल रखना जैद। अटेंशन, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग, अगले 1 हफ्ते यहाँ पे सिर्फ ईमानदारी से काम होगा। क्यों सर, कोई चैनल वाले आ रहे? वो अंग्रेज मुझे चैलेंज करके गई है कि हम लोग 1 हफ्ता भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकेंगे। मैं उससे गलत साबित करूंगा और हमें ये शर्त जीत के दिखानी है। बहुत बन रही थी, जैसे हम लोगों की तब्दील होने से पूरा मुल्क तब्दील हो जाएगा। दिखाते हैं उसे कि हमारे तब्दील होने से कुछ नहीं बदलेगा। सुबह से सर, सुबह दोपहर शाम अब यहाँ पे सिर्फ काम होगा, और अगर तुमने कोई गलत काम किया तो मैं तुम्हें ऐसा सबक चुकाऊंगा कि तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। और सर, अगर कोई खुद रिश्वत दे तो क्या करें? तो गिरफ्तार करो साले को और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो रिश्वत ना लेने की उस पर। सर कल सुबह ना कर ले, रात को मिनिस्टर साहब का पार्सल आने वाला है। ठीक है, कल सुबह से यहाँ पे सिर्फ ईमानदारी से काम होगा और कुछ नहीं। यस सर। हरीश, चलना छापे के लिए जगह ढूंढते चल। सोनिया बेटा, तुम्हारी चाची तो सोने जा चुकी है, अब बताओ बात क्या है? बात कोई बात नहीं है चाचू। अच्छा बेटा, फर्ज करो कि एक गाड़ी बगैर साइलेंसर के बेतहाशा शोर मचाती है और एक रोज सुबह के वक्त वो गाड़ी बिल्कुल खामोश हो जाती है, तो फिर लोगों को परेशानी तो होगी ना। मैं गाड़ी का साइलेंसर हूँ क्या? तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारी बात कर रहा था? और कौन है यहाँ? फिर भी ये तो वही हो गया चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरी कोई दाढ़ी नहीं है। अरे लेकिन चोर की दाढ़ी तो है, वो ही चोर जिसने मेरी प्यारी सी भतीजी की हंसी भी चुरा ली है। क्या नाम है उसका? गधा। गधा? बेटा अजीब सा नाम नहीं? सैद, लेकिन चाचू वो चोर नहीं, पुलिस वाला है। बात तो एक ही हुई ना,
खैर वो गवर्नमेंट सेक्टर में, खैर छोड़ो मसला क्या है? यही चाचू कि वो एक नंबर का रिश्वत खोर है। मैंने इतनी कोशिश की मैं उसको सुधार दूं, लेकिन नहीं, नहीं सुधरा। अब मुझे उससे कभी भी नहीं मिलना। लेता रहे रिश्वत और भाड़ में जाए। फिर करना क्या? पता नहीं चाचू। वैसे मैंने उसे कहा है कि अगर उसमें हिम्मत है तो एक हफ्ते में ईमानदारी से काम करके दिखाए, लेकिन मुझे पता है वो नहीं कर पाएगा। और बेटा अगर उसने कर लिया तो? क्यों करेगा चाचू, बेईमानी के बगैर वो दो दिन नहीं रह सकता। कैसे करेगा? बेटा प्यार में अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, वो क्या चीज है? बात तो ये है, अगर वो ये करने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये आपको कैसे पता? इसलिए कि अगर कोई करप्ट आदमी किसी वजह से सीधा हो जाए तो उससे ज्यादा प्यार का सबूत नहीं हो सकता है। पर चाचू मैं क्या करूं, उसकी वजह से इतनी टेंशन हो गई है। ऐसे कैसे सब कुछ अटका हुआ छोड़कर वापस चली जाऊं? अरे बेटा अभी तो तुम्हारे जाने में एक हफ्ता है, देखते हैं एक हफ्ते बाद वो क्या करता है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर सुधर गया तो इसका मतलब वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और अगर नहीं सुधरा तो मट्टी पाओ और आगे निकल जाओ। भाई चाचू अम्मी को बता दो। ओ बेटा सब बातें अम्मी अब्बा को नहीं बताया करते, कुछ बातें अपने अंदर भी रखी जाती है। हाँ और तुम अपनी माँ को बताओगी, वो तो छोटी छोटी बातों पे दिल पकड़ लेती है। एक हफ्ता सबर करो और देखो क्या रिजल्ट आता है। ओके अच्छा आइडिया चाचू। सर को भी क्या आफत पड़ी थी इस पूरे ईमानदारी के नाटक की। सुबह से काम कर करके जिस्म दुख रहा है। अब प्यार में ऐसे ही होता है, अच्छे अच्छे की बैंड बज जाती है। बस सर की भी तुरपाई हो गई, वो तुमने सुना है ना, रोमियो रांझा मजनू जिल्लत की मौत मरे इसी प्यार की वजह से। अरे प्यार वो करे भुगते हम। बेटा ऐसे ही होता है ब्यूरोक्रेसी में। मेरी बात सुनो, तुम लोगों के फिटनेस लेवल्स बिल्कुल जीरो हैं। एक किलोमीटर क्या भाग लिया, कुत्ते की तरह हांफ रहे हो तुम लोग। पुलिया पुलिस वाले और फिटनेस, ये हर रोज 4 किलोमीटर भागोगे वरना ना नाश्ता मिलेगा ना ही चाय। सर इस तरह तो भूखे मर जाएंगे। तो फिर मर जाओ, कम से कम एक जगह तो खाली होगी ना। अब से एक हफ्ते तक पुराने तरीके बिल्कुल नहीं चलेंगे। जो भी कॉल आएगी उस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। रिश्वत लेने वाले के साथ इंतहाई बुरा करूंगा मैं। किसी के इन्फ्लुएंस से ना डरो, मुझे इस हफ्ते में हर चीज परफेक्ट करनी है। ठीक है सर। और ये क्या, कितना महीना है, कब है डिलीवरी? चुप करो, अपनी फिटनेस को ठीक करो। तुम्हें 2-4 साल भूखा ही रहना चाहिए। तू तो भूखा मरा।
चल बे चल। क्या बात है बाजी, आज आप बाहर नहीं जा रहे? नहीं। क्यों, मोबाइल छिन गया? नहीं। क्या तबीयत खराब है? नहीं। पैसे चोरी हो गए? नहीं। बाहर किसी ने छेड़ा क्या? शफीक प्लीज यहां से जाओ। लगता है बाजी का मूड आज बहुत अच्छा है। असलम, कॉल्स की क्या सूरत हाल है? सर 12 कॉल्स आई थी, सारी डील कर ली हमने। सर मैंने बगैर नंबर प्लेट की 6 गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस को भेज दी। सर मैंने एक सियासतदान के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है क्योंकि उसके पास असले का लाइसेंस नहीं था। सर मैंने CPLC के साथ मिलकर एक बच्चा बाजियाब कराया किडनैपर से। वेरी गुड। जो काम हम पहले 1 साल में किया करते तुम लोगों ने 1 दिन में किया। Very good. सर वो लोगों की धमकियां आ रही हैं कि हम ऊपर से कॉल कराएंगे उनका क्या? उनको मैं देख लूंगा, तुम लोग सिर्फ अपना काम करो, मुझे इस हफ्ते में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। सर वो भाभी की कोई कॉल? अपने काम पे ध्यान दो, मेरे साथ ये भाभियों वाली बातें मत किया करो। चलो तब। ना करो कॉल, मैं कौन सा मोबाइल बार बार ढूंढ रहा हूं। चल भाई, मेरा आज कुछ कड़ी लगा। लेकिन मैं तो तुम्हारे बंदों को पैसे देता हूँ। अबे हमारा कोई आदमी नहीं है अब, साहब को इश्क हो गया है, गए वो दिन। यार लेकिन मैं तो हफ्ता देता हूँ। हफ्ता देता हो या महीना देता हो, चल निकल, टाइम जाया नहीं कर, बहुत सारा काम है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इस पर मेरी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, पूरे शहर में आग लग जाएगी आग। ऐसा है तो ऐसे ही सही, 1 दिन की और छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा है सड़कों पे रश कम होगा तो हमें आराम करने का मौका मिलेगा। लेके जाओ उसको। चल भाई। तुम हो यहाँ के SHO? और तुम सुल्तान रही? शाहिद मलिक। सुबह तुम्हारे आदमी एक बच्चे को उठा लाए। स्कूल से? स्कूल से नहीं, रोड पर से। वो तो बस अपना काम कर रहा था, उसको पकड़ लाए बिला वजह। ओ, तो बिला वजह जो चोर सुबह पकड़ा गया वो? हाँ। आपका वो छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा हैंगर से गाड़ी के लॉक खोलने में बड़ा माहिर है, और तो और आधे शहर के मोबाइल भी चोरी कर चुका है। और जब हमारे लड़के उसे यहां ला रहे थे, 2 मिनट के लिए हमारी गाड़ी कहीं रुकी तो उसने एक मैकेनिक से हमारी गाड़ी के 4 टायर्स का सौदा कर लिया। कैसा बच्चा है आपका मिस्टर SHO? ज्यादा इंटरोगेशन करने की जरूरत नहीं है, जब कह दिया गया बच्चे को छोड़ दो तो छोड़ दो। अब मुमकिन नहीं है, FIR कट चुकी है, रजिस्टर से पर्चा भी फट चुका है। तो दूसरा रजिस्टर ले लो, ये मेरा मसला नहीं है, मेरे लड़के को छोड़ दो। मेरा नाम शाहिद मलिक है, शाहिद मलिक। मुझे मना करना मौत को दावत देना है, मैं उस लड़के के बगैर नहीं जाऊंगा। और हां, चाय मंगाओ। तो चाय भाई हम पीते नहीं, मैंने अपने कांस्टेबल्स की शक्कर फौरी तौर पे बंद की हुई है। और वैसे बुरा मत बनाइएगा, आपकी भी असूलन बंद होनी चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, जो कहा गया वो करो, मुझे मेरा लड़का भी चाहिए। तो आप उसके बगैर नहीं रह सकते? नहीं, 1 दिन भी नहीं? नहीं। असलम, सर असलम एक काम करो, इनको भी इनके लड़के के साथ
अंदर डाल दो। क्या बदतमीजी है, किस जुर्म में अंदर डालोगे मुझे? अरे आपके लड़के ने जुर्म किया है, आप कह रहे हो आपका लड़का है तो आप उसके सरगना हो गए ना। कौन सरगना, मैं तो वो बल्कि एक काम करो, मीडिया वालों को बुलाओ। आज सुबह से मुझे एक चैनल की कॉल्स आ रही हैं कि जो चोर हमने सुबह पकड़ा है उसका किस पार्टी से ताल्लुक है। ये तो अच्छा हुआ कि शायद साहब ने खुद ही कबूल कर लिया, और तब तक इनके लिए एक अच्छी सी चाय बनाओ, और वो भी शक्कर के बगैर। नहीं पीनी मुझे चाय, मुझे और बहुत सारे काम है। अरे अभी तो आप कह रहे थे आप लड़के बगैर जाएंगे नहीं। सर ये 3 दिन की ईमानदारी में आधे शहर से दुश्मनी कर ली हमने, बाकी आधे से दोस्ती भी तो हुई है ना। हाँ लेकिन सर तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। वैसे सर एक बात है, इस तरह ईमानदारी से ड्यूटी करके अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे किसी फिल्म के हीरो, ना किसी का डर ना खौफ। सर पहली बार ऐसे ड्यूटी करके मजा आ रहा है ना सर? हेलो। हाँ सोनिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बस ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हो रहा? कुछ नहीं, तुम बताओ। कुछ खास नहीं, तुमने चैलेंज जो दिया तो उस पर काम हो रहा है। अच्छा, थके नहीं तुम अब तक? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कभी आओ ना पुलिस स्टेशन। क्यों, मैंने क्या जुर्म किया? नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, बस वैसे ही चक्कर लगा लो, चाय पानी, मेरा मतलब है चाय पी लेना या पानी, जो तुम्हारा दिल चाहे। सॉरी मैं आजकल काफ़ी मसरूफ चल रही हूँ, वो जाने की तैयारी भी चल रही है। तुम जा रही हो कब? 3 दिन बाद। काफ़ी खुश होंगे तुम्हारे घर वाले? हाँ खुश हैं। और तुम? हाँ मैं भी जाहिर है खुश हूँ, घर जा रही हूँ, खुश तो होंगी। ये तो है। सुनो जैद मुझे सोना है तो बाद में बात करते हैं। हाँ पक्का है करोगी? क्या मेरा मतलब है, तुम फोन करोगी ना मुझे? देख लेंगे। चलो ठीक है, अगर टाइम मिला तो किसी दिन पुलिस स्टेशन आ जाना। ठीक है ओके, अपना ख्याल रखना। अंकल हम उस लड़के को नहीं छोड़ सकते, उसने हमें आरएस। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अंकल हुआ क्या है? जिस लड़के को कल तुमने गिरफ्तार करवाया वो उस कॉलेज की सभी लड़कियों को परेशान करता था, मेरी नवासी भी वहां पढ़ने जाती थी। बिन बाप की बच्ची है बेचारी, और पिछले हफ्ते तो उसने इतनी बदतमीजी की है मेरी बच्ची के साथ, वो घर पर आकर घंटों रोती रही। मैं कॉलेज भी गया, प्रिंसिपल से मैंने बात भी की, प्रिंसिपल कहता है कि यार हम अंदर संभाल सकते हैं बाहर नहीं। मैं पुलिस के पास भी गया लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और इस तरह मेरी बच्ची ने उसके डर से कॉलेज जाना बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज जब मैंने तुम्हारे ऑफिसर को देखा, आपने उसे जब गिरफ्तार किया तो मुझे यकीन हो गया इस मुल्क के कानून पर। अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, कि आप जैसे लोग भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हो। बेटा मेरी नवासी ने आज से दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया, ये तुम सबकी वजह से हुआ है। अल्लाह आपको खुश रखे।
मैं आपको मुबारकबाद देने चला आया था, आपका शुक्रिया अदा करने आ गया था। आप अपना काम इसी तरह ईमानदारी से करते रहो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सर कितना खुश लग रहा था ना, कितनी दुआएं दे रहा था, काफी देर से आपका वेट कर रहा था। मैंने कहा भी कि सर राउंड पे गए, कहने लगा कि नहीं मिलके ही जाऊंगा। पर तो इल्जाम डाल दिया तुमने, पर तुमने खुद इस मुल्क के लिए क्या किया है जैद? दो दिन तुमने ईमानदारी से काम किया और अगले दो दिन छुट्टी कर ली। सिस्टम खराब है, सब बुरे हैं, पर क्या तुम अच्छे हो? क्या तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो? जैद तुम्हारे अंडर 4 पुलिस ऑफिसर्स हैं, यकीनन वो भी एक दिन SHOs बनेंगे, लेकिन जिस तरह तुम करप्शन करते हो वो भी उसी तरह करप्शन करेंगे और उनके जूनियर्स भी करप्ट हो जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आती इस बात की? सर। हाँ सुन, आओ बैठो। सर एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। नहीं बोलो। सर ये एक हफ्ते से जो हम ईमानदार बने थे, हाँ उसमें बस दो दिन रह गए हैं, उसके बाद तुम लोग। नहीं सर, यही कह रहा था मैं, आगे भी ऐसे ही काम करना चाहता हूँ सर। क्या? जी सर, दोबारा रिश्वत नहीं ले पाऊंगा ना उस जिंदगी में जा पाऊंगा दोबारा। सर 8 साल की ड्यूटी में पहली बार अपना आप करामत लगाया सर। पहले जब पुलिस को लोग बुरा भला कहते थे या मजाक उड़ाते थे तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता था। अब झट से बोल देता हूँ सर कि हमने 5 दिन में क्या क्या काम किए। एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है जब से हमने ये काम शुरू किया सर। ठीक है असलम, सुन लिया, तुम्हें कोई सस्पेंड नहीं करा, फिक्र मत करो। तुम भी ना, क्या मैं तुम्हें अच्छा काम करने पर सस्पेंड करूंगा? चलो जाओ। सर एक बात और। फरमाइए। सर वो अमेरिका वाली बाजी है ना, उनको जाने मत दीजिएगा, उनकी बात गलत नहीं थी सर, ऐसे वाकई अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई सुन लिया, क्या यहां तू बैठ के मेरी पूरी लाइफ सॉल्व करके देगा? जा, मुझे भी कुछ। खिड़की से चोरों की तरह क्यों लटक रहे हो? मैंने तुमसे बात करनी थी सोनिया। लटकते हुए? बैलेंस आउट होगा, गिर जाऊंगा, तब अंदर आने का कहोगे? आओ अंदर। ये क्या बेहुदा हरकत है? पता नहीं अचानक मुझे कुछ हो जाता है और मुझे वो काम उसी वक्त करना होता है। थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैंने तुम्हें कहा था पुलिस स्टेशन हो, तुम आई क्यों नहीं? क्यों आती, क्या मेरी पेशी थी? अरे नहीं, तुमसे इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई, सब तुम्हारा पूछ रहे थे। और कुछ? सोनिया मैंने तुम्हें यह कहना था कि तुम ठीक थी और मैं गलत।
ये एहसास तुम्हें कब हुआ? काफी दिन पहले हो गया था, लेकिन पुलिस वाला हूं, दूसरों की गलतियां देखने की आदत है, अपनी गलती देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हुआ क्या जैद? सोनिया, अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और मुझे सब कुछ दिखाई देने लग गया जो तुम कहती थी। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, हमें तब्दीली अपने अंदर लानी होती है, बाकी सब तो खुद ब खुद बदल जाता है। सोनिया, मैं सोचता था कि मेरे बदलने से मुल्क नहीं बदल सकता, मगर मैं भूल गया था कि मैं ही ये मुल्क हूं, मुझ जैसे लोगों से ही तो ये मुल्क बना हुआ है। जब एक इंसान कानून तोड़ता है तो न जाने कितने लोग कानून तोड़ते हैं, और ये करते करते इस हाल को ये मुल्क पहुंच गया है। अभी 5 दिन ईमानदारी से नौकरी करते हुए हैं। अब हम सियासतदानों से नहीं, सियासतदान हमसे डरते हैं। लोग हमारी रिस्पेक्ट करने लगे, हमें शाबाश देने लगे। पहले तो ऊट पटाख पता नहीं क्या क्या गालियां बकते थे और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे चैलेंज की वजह से हुआ है। मैंने सोचा था तुम्हें ये चैलेंज हरा के तुम्हें साबित करूंगा कि मेरे बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मैं गलत था, जीत तो तुम्हारी हुई है। तुम्हें रिश्वत और आराम वाली जिंदगी नहीं चाहिए? अब तुम्हें चाह के भी वापस नहीं जा सकता, मेरे अपने कॉन्स्टेबल्स मुझे अरेस्ट कर लेंगे। अरे वो साले तो मुझसे भी ज्यादा ईमानदार हो गए हैं। बस यही कहना था? नहीं, एक और बात भी है। अच्छा, क्या? सोनिया, तुमने इतने अरसे में, इतने थोड़े से अरसे में सब कुछ ठीक कर दिया, मुझे लाइन पे ले आई, मेरे कॉन्स्टेबल्स ईमानदार हो गए। ये क्या न्यूज़ बुलेटिन पढ़ रहे हो तुम? ये बकवास करने आए हो मुझसे? नहीं, तुम सिर्फ 3 हफ्तों में इतनी तब्दीलियां ले आई हो तो सोचो, अगर तुम मुस्तकिल अगर इधर शिफ्ट हो जाओ तो मैं और तुम क्या क्या बदल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ बैठ कर हर पुलिस थाने को ठीक करूँ, ये है मेरा काम? इतनी सिंपल सी बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो? तुम खुद चीजें कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अगर प्रपोज करने आयो तो करो जैद, सीधा सीधा पूछो कि शादी करनी है या नहीं। करनी है। क्या करनी है डकैती? शादी लफ्ज बोलने में मौत आती है तुम्हें। सोनिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फाइनली अंगूठी लाए हो साथ? अंगूठी मैं कैसे लाता, मुझे कंफर्म तो नहीं था ना कि तुम हाँ बोल दोगी। अंगूठी नहीं लाए तो क्या मुझे खीरे का टुकड़ा पहनाओगे? तो पहना देता हूँ ना। निकलो यहाँ से यार, पहले अंगूठी लाओ फिर बात करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो तुमने हाँ की है कि ना? पहले अंगूठी फिर बात। आउट। सोनिया, सोनिया, सोनिया क्या कर रही हो? प्लीज देख के जाओ, देख मैं नेक्स्ट टाइम अंगूठी लेकर आऊंगा। ओके, देख के। अरे लड़का कौन है, क्या करता है, ऐसे ही किसी को भी ढूंढ लिया एक हफ्ते में? अम्मी पुलिस ऑफिसर है, बहुत अच्छा लड़का है। क्या तुम पागल हो गई हो सोनिया? तुम्हें पता भी है ना कि पाकिस्तान के पुलिस वाले कैसे होते हैं? अम्मी आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कोई डाकू हो। बहुत अच्छा लड़का है।
खबरदार जो तुमने किसी पुलिस वाले से शादी की, ओके? अम्मी, चाचू मेरे साथ है, बात करें उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। फजूल बातें बंद करो हामिद, ये क्या उल्टी सीधी हरकतें चल रही है तुम्हारे घर में? नहीं नहीं भाभी जान, मैंने यकीन जानी है, घर में कुछ नहीं होने दिया। जी हाँ, जो कुछ हुआ है वो भारी हुआ है। नहीं, मेरा मतलब है ये इन दोनों की मुलाकात एक ही बार हुई है, वन टू वन बस। जी, उनसे कहीं लड़का बहुत अच्छा है, प्लीज। हाँ भाभी, लड़का बहुत अच्छा है, मैं खुद 6 बार मिला उससे। अच्छा भी है? अच्छा जी, बहुत अच्छा है, बड़ा हैंडसम है। हामिद देखो, पता नहीं कौन है क्या है। अरे भाभी आप बेफिक्र रहे, आपकी बेटी भी चैंपियन है, ठीक करके सीधा करके रखेगी उसको। बस आप फिक्र ना करें, आप जल्दी से टिकट कटाए और आ जाए, फौरन मंगनी कर देंगे हम अपनी बच्ची की। तुम लोगों की जो मर्जी आए वो करो, हर वक्त कुछ नया चलता रहता है, बस। थैंक यू चाचू। मैंने तो ऐसी लंबी लंबी छोड़ दी उस लड़के के लिए, तुम कहीं अपनी अम्मा के हाथों मुझे मरवा नहीं दोगी, क्योंकि वो मैं तो उस लड़के से मिला ही नहीं हूँ। डोंट वरी चाचू, वो वाकई बहुत अच्छा है, आप कोई फिक्र ना करें, आप बस मंगनी की तैयारी करें। वो तो मैं कर ही लूंगा बेटा, मरवा मत देना, तुम्हारी माँ बहुत खतरनाक खातून है। मुझसे ज्यादा नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला बस रहम करे हम लोगों पे। चलो भाई, अंगूठी निकालो, बिस्मिल्लाह करें। सर सोच लें, अंगूठी हथकड़ी जैसी होती है, एक बार पहन ली ना तो समझे गिरफ्तार। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ, तभी तो समझा रहा हूँ सर को। खुद शादी करके दूसरों को मना करते हो, सर इसको सस्पेंड कर दो। सुन लिया तुमने बेटा, पुलिस में टीवी का रैंक शौर के रैंक से ऊपर होता है, आज से डिमोशन प्रमोशन के फैसले यही करेंगे तुम्हारे। मैडम मैं तो एक बेकार सा जोक मार रहा था, आप इग्नोर करें। हाँ गुड, चलो ये लो भाई, बिस्मिल्लाह करो बेटा, पिनाओ। तो एसएचओ साहब, आपको मंगनी का चैलेंज कबूल है? पहले भी चैलेंज कबूल करके फायदा ही हुआ था, इस बार भी देख लेता, बनी तो बनी। जी साहब जी, मेरे लिए आप एक मिर्चों वाली मटन कढ़ाई और साथ गन्ने का जूस। जी, और साहब जी आप क्या खाएंगे, चाय पापड़? अबे तेरी मेरे से क्या दुश्मनी है, आज मुझे तू पता ही दे। मैं कहता है तो रोजा रख कर आता हूँ कि हमेशा चाय पापे ही पीऊंगा। चल जा मेरे लिए अच्छा सा फ्राइड चिकन बना के ला और साथ में कोल्ड ड्रिंक, चल। जी साहब। तो एसएचओ साहब, क्या प्लान्स हैं आप? प्लान्स यही कि अपने मुल्क के लिए ईमानदारी के साथ काम करते रहना और अपनी बेगम का उसकी एनजीओ में हाथ बटाना। अरे वाह, वैसे यही उम्मीद थी मुझे आपसे, पर अब अगर मैंने रिश्वत का नाम सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार सोनिया, सब कुछ हिस्ट्री हो चुका है और मेरा यकीन करो, हिस्ट्री में हमेशा फेल होता है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर जी, ये शमीम भाई ने पैसे दिए। क्या? सोनिया ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे क्या देख रही हो?
यार मैंने तुमसे कब पैसे मांगे? तुम और शमीम भाई आज मेरी तलाक करवा के ही चैन लोगे? जाके देख रहा उन्हें क्या करना है इन पैसों, मुंह पे मार के यार उसके, और उसे को कि आज के खाने का बिल भी मैं खुद दूंगा। क्या हुआ साहब जी, क्या नौकरी से निकाल दिया? मैं तुझे इसका मतलब है तुमने लास्ट टाइम हमारे बिल के पैसे नहीं दिए? नहीं सोनिया ऐसी बात नहीं है, वो शमीम भाई ने कहा था कि भाभी और आपको उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री लंच है इसलिए। अरे अब क्या तमाशा लगाया तुम लोगों ने, क्या शोर मचाया है? पता नहीं साहब जी, जब मैंने शमीम भाई को कहा है ना कि आप रिश्वत के पैसे नहीं लोगे और खाने का बिल भी देकर जाओगे, शमीम भाई को दिल का दौरा पड़ गया साहब जी। मेरे शमीम भाई देख लिया तुमने, तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा क्या हुआ? एक शरीफ आदमी का खून है तुम्हारे हाथों पर, कातिल हो तुम, कातिल। शट अप सैद, कुश्ती बनने वाला तुम्हारा।